हमारे भाई और मेरे बहुत दिल अजीज दोस्त आफ्ताब आलम साहब अमेरिका में आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, और इनके साथ हमारा हर दिल अजीज बेटा हमारा जीशान, बहुत ही काबिल माशाल्लाह सही ये भी है, और उनका आफ्ताब के नवासा भी है, बहुत ही माशाल्लाह काबिल। उसे तो मैं अलग सेपरेट करूंगा उसको, तो उसकी तो टैलेंट पे। तो आफ्ताब साहब इस वक्त माशाल्लाह अमेरिका में है, और आफ्ताब साहब जो है अमेरिका में हो और यहाँ सारे दोस्त क्यों ना इनसे मिले, तो आज आफ्ताब साहब को हम अपने घर ले जा रहे हैं। एक छोटा सा मुझसे देखिए एक जोराना दिया है, तो आफ्ताब साहब से हमारे दरमियान। आफ्ताब साहब वेलकम टू अमेरिका। थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? बड़ा अल्लाह का करम है। आफ्ताब का अमेरिका में किन किन स्टेट में जाना है? अभी यहाँ से फिर हम शिकागो जाएंगे, शिकागो से ओरलैंडो, और वहाँ पर भी घूमेंगे, फिर इसके बाद वापस न्यूयॉर्क से फिर हम इस्तांबुल जाएंगे। इस्तांबुल 3 दिन स्टे है, लेकिन इस सब जगह पर घूमने से एक तो आपसे मुलाकात भी, फिर एक हमारे शाहिद भाई जो आगे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, शाहिद भाई को ये दिखाता हूँ मैं, शाहिद भाई को, ठीक है ना? और बाकी तो वो शाहिद भाई से वहाँ घर पे जब के या तो ड्राइव करने वाले से बात करना भी गुनाह है और नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, आप तो पूरे कानून से चल रहे हैं। बिल्कुल कानून से चल रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा मुझे हैरत हो रही है कि शब्बीर आप पाकिस्तान में थे और माशाल्लाह से इनकम टैक्स से वाबस्ता थे, और तो इनकम टैक्स में जब हम आते थे आपके पास तो इनकम टैक्स में जब हम आपके पास आते थे तो माशाल्लाह आपको, और यहाँ आपकी तब्दीली देखी, 2 साल में आप ऐसे हो गए कि लगता है कि आप अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी सादगी, वहाँ आपका और यहाँ पर आपकी जो गुफ्तार है, गाड़ियों के बारे में बात करना, रोड के बारे में बात करना, डिसिप्लिन के बारे में बात करना, कि यहाँ पर यूँ होता है, बेल्ट लगा लो, कर लो, पुलिस पकड़ती है, हालांकि आप खुद पाकिस्तान में रहते हैं और माशाल्लाह आज तक आपने पुलिस का तो क्या, रोड पे आदमी का भी ख्याल नहीं किया, जिस तरह आप गाड़ी चला बैठ जिस तरह आप वेस्पा चलाते थे, और जिस तरह आपकी वेस्पा है, मुझे बड़ी खुशी है। अमेरिका में आके समझ में आया है कि क्या होता है, और बाकी यहाँ सही कानून से चलते हैं, और मकसद है कि सबने यहाँ पे कानून को मकसद ओबे करना है। यहाँ पे कानून तो वहाँ पर भी है, लीडर को भी, हुक्मरान को भी, अवाम को भी, पुलिस को भी, वो सब भी कानून के मकसद ओबे करना है। शब्बीर साहब, कानून तो वहाँ पर भी है, लेकिन उस कानून दान को हम लोग बिगाड़ देते हैं। पुलिस जा रही होती है, हमें पता होता है कि पुल गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेब में एक और चीज़ पड़ी होती है जिससे हम फारिग करके पुलिस को खुश होकर चले जाते हैं। कानून तो वहाँ पर भी है, लेकिन हम उसको ओबे नहीं करते। लेकिन बहरहाल आपको देखने के बाद बड़ी खुशी हुई, और आप यकीन करें कि शायद मैं वाहिद आदमी हूँ, क्योंकि शाहिद भाई के बाद अगर मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मेरी फैमिली को मैंने कहा, हालांकि मुझे आरिफ उस्मानी ने कहा, सोनू भट्ट ने कहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लेकिन आपकी दावत और आपका प्यार और आपका बड़ापन, आप तो पाकिस्तान में भी। दूसरी बात है कि आप माशाल्लाह यहाँ अमेरिका में हो और हमारे यहाँ हम क्यों नहीं आए, मकसद है कि हमारा तो मकसद जाने नहीं दे हम आपको यहाँ से अमेरिका से वहाँ पाकिस्तान। अभी हम जो है यहाँ पर अगस्त में ड्रामा करने आ रहे हैं, सरवत जोहा साहब का तहरीर है, और ये पहले शिकागो में होगा, न्यू जर्सी में होगा, हूस्टन में होगा। ड्रामे का नाम है हम है ना, और बड़ा अच्छा प्लॉट लिखा है, जिसे आसिफ सलीम जो ऑर्गेनाइज़र है, मुश्ताक साहब के साहबजादे, मुश्ताक साहब हमारे टीवी के बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके साहबजादे हैं, वो ऑर्गेनाइज़र हैं। फिर अल्ताफ डांडिया साहब जो हमारे यहाँ पर सिंगर हैं शिकागो में, वो ऑर्गेनाइज़र हैं, हम आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उस वक्त हम तमाम उन दोस्तों से मिलेंगे जो शोबी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अगर मैंने इनका साथ न दिया और आपके साथ मिलने आ गया, भी अपने दोस्तों से मिला है, हमें कहीं नहीं ले गया। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और सब आए, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। तो अगस्त में आए तो फिर आपका पुरतकाब यहाँ जो है करेंगे, और मेरा अखबार आपके लिए हाजिर है, आप मुझे ऐड अभी से दे दें, मैं कम्प्लीमेंट्री मेरा अखबार जो ये कम्युनिटी माशाल्लाह अमेरिका भर में माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो ये कि आपके अखबार में तो ये खूबी है कि ई कम्युनिटी को अखबार इसलिए ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा किया था, लेकिन यहाँ की जो आप न्यूज़ देते हैं ना, लोग बहुत देखते हैं, प्यार से देखते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे राइटर हैं, सच्चे वो जिसको कहते हैं ना सहाफ़ी,
वरना कुछ सहाफ़ी ऐसे भी होते हैं जो अपनी तरफ से टप्पा मार देते हैं, लेकिन आपका ये कमाल है। और आपने तो खैर पाकिस्तान में भी एक बड़ा अच्छा रखा था कि अभी भी है, आप जब भी आते हैं तो वो माजूर बच्चों के लिए, गुओं बहरों के लिए, जो आपका डेफ कम्युनिटी के लिए, और हम दुआ करते हैं कि यहाँ पर भी आप इसी तरह काम करें। और अगर आप और बेहतर से बेहतर इंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पर न्यू जर्सी में काम के लिए, तो हमारे शाहिद भाई को पकड़ लें। शाहिद भाई भी हमारे जो है बहुत अच्छे हैं और बड़े सोशल काम करने वाले हैं। शाहिद भाई तो हमारे बड़े दोस्तों के दोस्त हैं माशाल्लाह। अभी हमने 23 मार्च को यहाँ पे निकाली थी रैली, तो ये बोनटन से ही हुई थी, तो शाहिद भाई और हम लोग उसमें साथ थे। शाहिद भाई को जब मैंने कहा ना कि शब्बीर भाई के पास चलना है, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, हालांकि दूसरी जगह नहीं करते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं यार शब्बीर भाई के पास है तो मैं चलूँगा। और आज हमारे खातिर इन्होंने जॉब से भी जल्दी छुट्टी की और आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जब आएंगे, आपकी फैमिली से मिलेंगे, मेरी फैमिली मिलेगी, तो हम बहुत खुश होंगे। आपके बच्चों को सलाम वहाँ पर आने के बाद भी करेंगे, लेकिन वीडियो के मैसेज के हिसाब से भी आपके बच्चों को सलाम। थैंक यू वेरी मच शब्बीर, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर अखबार चला रहे हैं, यहाँ पे भी आप प्रिंट करवाते हैं। एक हफ्ता को ले जाए, एक को बिठा देंगे। आमने सामने होते तो मारी है दुकान भाई, जितना टाइम लगाओगे उतने ज्यादा बीफ भी नहीं है, चिकन भी नहीं। अभी हमने कली तो बनाया था लहसुन, नहीं तो लहसुन आ रहा है। हाँ नहीं, ये इंडियन बाजार से लिया था हमने, तो कटा हुआ लहसुन तो मैं खराब नहीं हो निकाल के वहीं चले जाए, हाँ तो निकाल के वहीं चले जाए, आप लोग निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, बारह महीने। हाँ आप निकाल के, आप लोग खाना निकालो, सब लोग खाना निकालो। अच्छा हम लोग वहाँ चले जाए।